हेलो गाइस वेलकम। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मैं आपका दोस्त जोड़ी, और आज जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो 48 मिनट बचा था, तो यहाँ पे एक इवेंट आया गया था। तो जो आज हम किस दिन का बात करें, आज का दिन है मतलब आज कितना तारीख हुआ है, हाँ 10 तारीख, 10 तारीख का बात हम लोग कर रहे हैं। और 10 तारीख था आज हैमर जैम था। तो जैसे कि हैमर जैम का अब हम बात करें तो मेरे सारे बिल्डर वर्क में है अभी। मैं अभी जस्ट हैमर जैम का, तो मैंने पहले RC और क्वीन को डाल दिया ताकि सभी और बचा हुआ डार्क जैसे इसको डाल दिया, ये मेरा लस्सी को, और लस्सी भी अनलॉक हो चुकी है। और अभी कुल मिला के देखा जाए तो मैंने अपना टाउन हैमर जैम के टाइमिंग अपग्रेड किया था। हैमर जैम के बीच में इतना सारा अपग्रेड मैंने कर दिया, मतलब आप देख सकते हैं 2 एक्सपो अपग्रेड पे है, तो एक इन्फर्नो, 2 इन्फर्नो टावर भी अपग्रेड पे है, और RC और क्वीन भी अपग्रेड पे है। यानी कि ये मतलब बेस्ट था, क्योंकि बेस्ट हैमर जैम था क्योंकि, और ये फेस टेस्ट का टाइम गया था, और फेस टेस्ट में IIT चाहिए, मैं मार्क्स 200 से भी कमाया, मेरे को केमिस्ट्री में नॉवल थी जो भी है, तो मतलब सबसे लोएस्ट। और स्नीकी गॉब्लिन के साथ मस्त फार्मिंग किया गया है जैसे कि यहाँ पे, तो अभी लास्ट में तो उसके बारे में हम बात करें कैसे फार्मिंग किया गया है, और अच्छा खासा ही फार्मिंग है। अच्छा ये सब देख सकते हैं लास्ट में, मतलब पूरा मतलब फार्मिंग भी किया गया अभी लास्ट में, ट्रेनिंग पोर्शन मार्क भी किया गया था। और हैमर जैम ख़त्म हो चुका है, मगर अच्छा ये तो मैक्स है, इधर देखिए कास्ट में ध्यान दें, कास्ट में सबका कॉस्ट में ध्यान दीजिए। हैमर जैम ख़त्म हो चुका है, टाउनल का कॉस्ट देखिए, मेन है इसका कॉस्ट देखिए, 7 मिलियन यहाँ पे दिखा रहा है इससे अपग्रेड करने पे, लेकिन असल में दिखा रहा है इतना। तो मैंने देखा कि जैसे हैमर जैम ख़त्म हो चुका है तो मेरे अंदर का, लेकिन फिर भी जो था वो अभी भी बाकी है, मतलब कॉस्ट अभी तक कम नहीं हुआ है। तो फिर मैं खुश हो गया और मैं सोचा कि चलो कुछ काम करते, तो मैंने जैसे तैसे करके प्रैक्टिस मैप खेला और ये खेला, और फिर यहाँ पे लूट लेके आया, और फिर मैं आया ऐसे करना, और फिर देखता हूँ कि बिल्डर तो सारे PG है, क्योंकि क्वीन का तो मैंने अभी जस्ट लगाया है। तो यानी कि हैमर जैम खत्म होने के बाद भी अगर आप पहले से लॉगिन करके रखते हो सकता है कि आपको कॉस्ट रिडक्शन अभी भी काफ़ी फ़ायदा मिले, और आप फार्मिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास बिल्डर होना चाहिए। और हाँ मैंने तो ये सब ठीक कर दिया, अभी मैं थोड़ा सा स्नेक गॉब्लिन से रखूँगा। और ये बात तो है कि सब कुछ खत्म होने के बाद अभी कंगारी से तुरंत छा गई है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह जगह से कलेक्ट किया था, जैसे कि यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो क्रिएटर से मैंने ये बुक ऑफ हीरो यहाँ पे परचेज़ किया था, रेड मेडल्स आप देख सकते हो मैंने इतना कम कर दिया, कि यहाँ से गोल्ड, यहाँ से ये एलिक्सर सब लिया है। मेरे को यहाँ पे बोनस भी इस साल मिला, लेकिन फिर भी 16 है, क्योंकि मैंने यहाँ से कलेक्ट कर 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 करके किया है। और एट द एंड यहाँ मैं रिमूव वॉल करूँगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं 75 है, और केवल 10 वॉल पीसेस लेवल 12 के, जो कि एक टाइम पे बहुत ही ख़राब थे मेरे। तो कुल मिला के यहाँ पर जाने से मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम ड्रामा कर दिया। और तीन आपको बेस दिखा देता हूँ कि ये तो मेरे हम लोग के क्लैन का ही बेस बन चुका है, ये सबसे कॉमनेस्ट बेस आप बन चुका है। और वॉर बेस में अगर मैं दिखाऊँ तो एक वॉर बेस मेरे पास ये भी है, अगर आप देख सकते हो तो आप देख लीजिए, वॉर बेस वाला भी मेरे पास काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने कहीं से कहा था, कहाँ से कॉपी किया था, क्योंकि दोनों स्वीपर एक तरफ पॉइंटेड है, और ये राउंड 13 का बेस है, और ये कुछ मेरे कुछ लिमिटेड एडिशन ऑब्स्टिकल है, जैसे कि ये क्या नाम था, लॉस्ट एंड क्राउन का टाइम आया था, ये एनिवर्सरी फाउंटेन ही कब का है, ये उस समय का ही बर्थडे का भी उसी टाइम का है, और ये लॉगमस का टाइम का है, ये भी कुछ वैसा ही है, ये फायरी का पता नहीं इसका क्या नाम है, ये जो भी था, और ये क्या पता नहीं, ठीक है ये भी पता नहीं, खैर जो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइस एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।